हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा विंजो ऐप में पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट कैसे ऐड करते हैं। दोस्तों अगर आप विंजो ऐप से पैसा अपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट में विड्रॉ करना चाहते हो तो आपको दोस्तों यहाँ पे पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट को विंजो ऐप में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे आपको ऐड करना है अभी मैं आपको वही दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपने वीडियो लास्ट तक देख लिया तो आप दोस्तों कोई भी बैंक अकाउंट अपने विंजो ऐप में ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो अभी दोस्तों आपको पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे वॉलेट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों मैं वॉलेट पे क्लिक कर दिया। वॉलेट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका जो विनिंग्स है उसके पास पे दोस्तों आपको एक बटन यहाँ पे दिखेगा विड्रो का। ठीक है, आपको यहाँ पे विड्रो पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों मैं विड्रो पे क्लिक कर दिया। विड्रो में क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो अगर आप पेटीएम में विड्रो करना चाहते हो तो मिनिमम आप 3 रुपीज यहाँ पे कर सकते हो। एंड दोस्तों बाकी यहाँ पे जितने भी मेथड है जैसे कि बैंक ट्रांसफर हो गया, यूपीआई हो गया, अमेजोन पे हो गया, इन सब पे विड्रो करने के लिए आपको यहाँ पे मिनिमम 30 रुपीज यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो अभी दोस्तों आपको मैं बोलूंगा कैसे आपको पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट दोस्तों ऐड करना है। ठीक है दोस्तों, जो बैंक ट्रांसफर का ऑप्शन है ना इसमें आपको पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट को ऐड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये जो बैंक ट्रांसफर के एकदम पास पे लिंक नाउ का ऑप्शन है, इस लिंक नाउ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिंक नाउ पे क्लिक कर दिया। लिंक नाउ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। अभी दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, दोस्तों आपका जो भी ईमेल से आप दोस्तों विंजो ऐप पे अकाउंट क्रिएट किया हो, ठीक है, उस ईमेल को आपको यहाँ पे सबसे पहले देना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो दो बॉक्स है उसमें आपका जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक का अकाउंट नंबर है उस अकाउंट नंबर को यहाँ पे देना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट का जो IFSC कोड है उसको यहाँ पे देना है। एंड दोस्तों एकदम लास्ट में आपके पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट में जो भी अकाउंट होल्डर नेम है उस नेम को यहाँ पे देना है। ठीक है, तो सिंपली दोस्तों आप सब कुछ यहाँ पे सही से यहाँ पे भर दीजिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो मैं यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे दे दिया हूँ। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों मैं अपना ईमेल यहाँ पे दे दिया जिस ईमेल से मैं यहाँ पे विंजो ऐप पे अकाउंट क्रिएट किया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो दो बॉक्स है उसमें मैं अपना जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक का अकाउंट नंबर है उसको दे दिया। एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पेटीएम पेमेंट्स बैंक का दोस्तों यहाँ पे IFSC कोड दे दिया। दोस्तों मैं देख सकता हूँ PYTM01234566। ठीक है, एंड दोस्तों उसके बाद मेरा पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट में जो भी मेरा नाम है, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे दे दिया। ठीक है, तो सब कुछ सही से देने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप दोस्तों यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करोगे तो अगर आपके पास दोस्तों यहाँ पे नो नेटवर्क कनेक्टिविटी ऐसा कुछ लिखा आता है तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दोस्तों मैं देख सकता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग होने के बाद दोस्तों अगर ऐसा लिखा आता है तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दोस्तों बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड हो चुका है। ठीक है, अभी दोस्तों फिर से अगर आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दोस्तों लिखा दिखाएगा कि यहाँ पे दोस्तों ऑलरेडी यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड हो गया। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे बैक करना है। बैक करने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा रिफ्रेश करके दोस्तों यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे दोस्तों बैंक अकाउंट यहाँ पे 100% ऐड हो चुका है। ठीक है, तो मैं आपको सब कुछ यहाँ पे प्रूफ के साथ दिखा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो बैंक ट्रांसफर के एकदम पास में अभी भी यहाँ पे लिंक ना हो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, लेकिन आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको बस यहाँ पे बैक कर देना है। ठीक है, बैक करने के बाद फिर से आपको यहाँ पे वॉलेट में क्लिक करके यहाँ पे दोस्तों विड्रो पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो मेरा दोस्तों जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट दोस्तों यहाँ पे है वो यहाँ पे लिंक हो गया है। दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन टिक भी आ चुका है। ठीक है, तो ऐसे आपको दोस्तों पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट दोस्तों यहाँ पे विंजो ऐप पे ऐड करना है। ठीक है, जैसे आप दोस्तों यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करोगे अगर नो नेटवर्क कनेक्टिविटी आता है तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको बस यहाँ पे बैक करना है। ठीक है, बैक करने के बाद जैसे आप दोस्तों यहाँ पे विंजो पे क्लिक करोगे वॉलेट में आके तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि आपका जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट है वो दोस्तों यहाँ पे लिंक हो गया है। ठीक है, तो ऐसे आपको विंजो ऐप पे पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट दोस्तों ऐड करना है बैंक ट्रांसफर में जाके। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।